हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 9 बज गए हैं और अभी जो है बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वैसे तो आज बर्फ़ के लिए बोला था पर बर्फ़ नहीं लगी है, बारिश ही लगी हुई है और जो बर्फ़ थी वो भी पिघल रही है। तो मतलब काफ़ी इतनी बर्फ़ हो, वैसे तो लोगों को और ज़्यादा चाहिए होगी बट काफ़ी है, मतलब ऐसे ही हो गया है मौसम। अब और अभी घर पर मतलब ऐसे उठे हुए हैं, अब अपने कमरे में सारे बैठे हैं, उस किचन में मैं ही हूँ और अब मुझे जो है खाना बनाना है। इतना सारा भाप निकल रहा है मेरे मुंह से और अभी मैं यहाँ पे बैठ के आग सेक रही हूँ। किचन में कोई भी नहीं है, मैंने अभी अभी आग जलाई हुई है और शाम को जो है मैंने सिड्डू बनाने हैं, उसके लिए भी मैंने आटा गूंदा हुआ है अभी। तो साथ ही साथ में मेरी टीवी भी लगी हुई है, तो मेरी आग अभी जल रही है यहाँ पे और वहाँ पे मैंने पीछे आटा रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो वहाँ पे जैसा इस साइड को ये है ना, एक ऐसा ही इसके नीचे है तो मैंने इसके ऊपर रखी हुई है क्योंकि गर्म हो जाता है ना तो बढ़िया, यहाँ पे गर्म में आटा जल्दी से अच्छे से फूल जाएगा। और इसके नीचे ना मैंने स्टील वाली चड़ी जैसी फंसाई है, वो इसलिए ना ताकि जब आटा डायरेक्ट रखती ना तो नीचे से जल जाना था, वो इसलिए इसके ऊपर रखी हुई है ताकि आटा जले भी नहीं। और जी यहाँ पर मेरी दाल बची हुई है पीले चने की, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ अभी और साथ ही साथ मेरा टीवी यहाँ पे लगा हुआ है और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अभी आग सेकने। और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है फिर से, आज और कल दो दिन बहुत ज़्यादा ठंड है, परसों से लेके साफ है मौसम। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हुई हूँ आग सेकने। वैसे मैं आग सेकती नहीं हूँ ज़्यादा, कमीज सेकती हूँ। वो हमारे जो है शीशों में ना बिल्कुल ब्लर ब्लर जैसा हुआ हुआ है और ये ना मतलब जब ऐसा सा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है घर में, पूरे घर में। तो अभी मैंने किचन का दरवाज़ा इस तरह से बंद किया हुआ था तो मतलब बिल्कुल गर्म था किचन आग जलाने के बाद, और अभी मैंने खोला ना क्योंकि बहुत ज़्यादा ना धुआँ धुआँ हो गया किचन में, तो मैंने खोला। उसके बाद अब धुआँ इधर से बाहर जा रहा है हल्का हल्का सा और ना सारा ना यहाँ से काला हो गया है। देखो ये देखो, आग चलाने से सब कुछ हो गया है काला काला और इस तरह से शीशे हो गए ब्लर ब्लर, और इसको जितना मर्जी साफ करो ये फिर भी ऐसे ही रहते, ये देखो। और तो ये हॉल पूरा का पूरा जो है ना ऐसे ही बना हुआ है ना शीशे, जैसे ही अंदर आते हैं ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, इतना ठंडा है ना ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ना मतलब कि हर कुछ ही ठंड है, जैसे कि इधर तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हवाएं आ रही होगी, मतलब शीशे का बना हुआ है ना तो इसीलिए ये बिल्कुल ठंडा है हुआ हुआ है, बिल्कुल ठंडा इस वक्त इतना हर कुछ ही ठंडा हुआ है, कैसे बताऊँ मैं आपको। और जी बारिश हुई हुई है ना, बर्फ़ तो नहीं लगी ना, और जो ये बर्फ़ थी ना ये भी बारिश से पिघल गई है, और बारिश होने के बाद ना आसपास बिल्कुल ज़्यादा ना मतलब साफ़ हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है और आप देख सकते हो कितना साफ़ नज़र आ रहा है। आज से पहले भी मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है इधर से, तो इतना ज़्यादा धुआं धुआं मतलब ख़राब हुआ हुआ था, सब कुछ आर पार दिखता ही नहीं था। और आजकल ऐसे मतलब आज बारिश हुई है ना, हर जगह बारिश हुई है क्योंकि बर्फ़ जो है ना वो धुल चुकी है, मुझे लगता है कि ऊपर हाइट हाइट में बर्फ़ हुई हुई है अभी, मतलब इधर ऊपर कोहरा जैसा है ना हाइट हाइट में उधर हुई हो सकती है बर्फ़, बाकी हमारे लिए तो बारिश हुई है अभी तक, जो बर्फ़ थी वो भी बिल्कुल धुल चुकी है और हमारी चोटियां जो है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो चुकी है, नहा धो के फ्रेश हो गई है अभी भी। और वो देखो कोहरा कैसे चल रहा है इधर ऊपर, ये देखो कितना फ्रेश हो गया है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो गया है सब कुछ आस पास। और ये मेरे प्यारे दो पेड़ जो है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं यहाँ से देखने में, वो भी ये पर नज़र आ रहा है ना मेरा खेत जिसमें ब्लू ब्लू और पेड़ों में पेंट, यहाँ से मेरा खेत स्टार्ट होता है। और बर्फ़ भी अभी थोड़ी थोड़ी सी रही है हमारे लिए, कैसा है ना इधर से देखो ब्राउन ब्राउन शेड आ रही है और वहाँ पर देखो ग्रीन ग्रीन, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ अलग है वहाँ अलग है, उधर पार अलग ही है, ग्रीन ग्रीन है फिर उधर थोड़ा लाइट है फिर हमारा थोड़ा ब्राउन है। बहुत फ्रेश नज़र है नज़र यहाँ से, बहुत ज़्यादा बहुत फ्रेश है। आज ने वो सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से देखने का क्योंकि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश नज़र आ रहा है वहाँ पर ना ऊपर, सबसे ऊपर को वहाँ देखो बर्फ़ गिरी हुई है, वाइट वाइट हुए हुए पेड़, पानी का भाप देखो ज़रा कैसे उड़ रहा है, इतना ज़्यादा भाप उड़ रहा है। साथ ही साथ में ना मुझे यहाँ से बर्तन धोते धोते नज़र आती है वादियाँ, यहाँ से वादी नज़र आती है मुझे बहुत ज़्यादा।
तो हम हो गए हैं खाना खा के फारिग। अभी बाहर लगी हुई है तेज़ बारिश और इतनी ज़्यादा भयंकर वाली ठंड। इतने कपड़े पहन रखे हैं, इतना मोटा सूट पहना हुआ है ना, इसके अंदर से ये देखो फर जैसी भी लगी हुई है, फिर भी साली ठंडी नहीं हो रही है ख़त्म। अंदर से स्वेटर भी पहन रखी है, पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और भी फिर से और बाहर लगी हुई है भयंकर बारिश। अभी मैंने लगाई हुई है बर्तन धोने के लिए, बाहर गर्म होने के लिए पानी लगाया हुआ, अभी लाइट नहीं थी। और जब तो भाई लाइट नहीं होती है ऐसे मौसम में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो चूल्हे पर भी पानी गर्म हुआ होता है, चूल्हे जलाया होता है ना जैसे, तो पानी गर्म हुआ होता है, एक बाल्टी तो हो ही जाती है बर्तन धोने के लिए। और ना भाई पानी के बीच तो ऐसे मौसम में हाथ डालना मौत आ जाती है ऐसे में, उफ बहुत ज़्यादा। ये जो आगे से नाखून है ना इसमें लग जाती है। अभी मैंने थोड़ी सी जूठी की ना, मेरा सूटा हाथ, मैंने फ़ोन पकड़ा नहीं, इतनी ठंड लगी हुई है मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा। तो अभी पानी गर्म हो रहा है मेरा, जैसे पानी गर्म होता है थोड़ी सारी के कपड़े धोने के लिए उसे मैं रख दूंगी टब के अंदर पानी को, और थोड़ा सा मैं बर्तन धोने के लिए। उसके बाद तो शाम तक बैठे रहेंगे, फिर करना खाने का प्रबंध। ओ भाई इतनी ठंडे पानी, ठंडा पानी है ऊपर भाई, टैंकी में तो वैसे भी शान होता है लगा सुबह सुबह उसका पिघला हुआ पानी तो ज़्यादा। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मैं भी आगे के कपड़े धो के आई हुई हूँ, और अभी हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये अपना कुरकुरा खा रही है और मेरे जुराब ना नीचे चप्पल गिली थी ना, मैंने उसमें पहन ली लगाया ना पैर में, तो मेरी चप्पल में गीले हो गई, तो मैंने सोचा तो मैं अपने लिए दूसरे वाले सॉक्स लेके आई हूँ। साथ ही साथ हम अभी यहाँ पे फिटर के पास बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़े से अपने पैर जो है गर्म कर लूँगी पहले, फिर जाके मैं ये दूसरे वाले सॉक्स पहन लूँगी। और बाहर इतनी मोटे वाली ठंड है मची हुई, क्या बताऊँ मैं आपको, बेरहम। तो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़े से पैर सेक लेते हैं पहले। और ये मेरा फेवरेट जो कुरकुरा है वो खा रही है, तो दूसरे पहले जुराब पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत गीली हो गई नीचे से मैंने। ये नारी है जो सुपर भारी है, ये नारी है जो देश के दुश्मन का आई, ये दुर्गा है जिस पर राष्ट्र सुरक्षा। तो बिल्कुल बोर हो रही हूँ मैं इस वक्त बैठ के घर में, और क्योंकि अभी जो है ना कुछ मतलब बाहर भी नहीं जा पाते हैं और इतनी बारिश भी हो रही है साथ ही साथ में, फिर मैं यहीं बैठी हुई हूँ अभी। और अब 1 बजे मैं आरवी को भी सुला दूँगी अगर वो सोएगी तो। फिलहाल तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अभी कमरे में, और यहाँ से बाहर की जो अपनी वादियाँ नजदीक यहाँ से बैठ के देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी विंडो से अच्छी अच्छी वादियाँ नज़र आती है बाहर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या वादियाँ वादियाँ करती रहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ना मेरे को ना चील के पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ चील के पेड़ों को। और जैसे कि आजकल लोगों ने जंगल काटने में जोर दिया हुआ है, इसलिए मतलब कम कम हो रहा है, और उनको बहुत अच्छे लगते हैं चील के पेड़ देखने। और ऊपर की जो चोटियाँ होती है ना ऐसे एक नीचे ऊपर 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 ऐसी वाली चोटियाँ, वो देखने भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ मतलब जब मेरे पास कुछ काम नहीं होता है या बारिश होती है कुछ और होता है, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ इस वाली विंडो के पास, यहाँ से सारा बढ़िया दिखता है बाहर। और मैं इसी कमरे में ज़्यादा बैठना पसंद करती हूँ, अकेले रहती हूँ ना जब मैं भी, तभी यहीं बैठ जाती हूँ, मेरे को यहीं अच्छा लगता है। और आपने देखा भी होगा मेरे काफ़ी व्लॉग में कि मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं यहीं बैठी होती हूँ हर वक्त इसमें, जब मतलब वेली होती हूँ तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी कुछ है भी नहीं करने के लिए, और बाकी काम से फ्री होगी हूँ मैं, तो अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ बाहर। अभी मैं हीटर से सेक के आई हाथ पैर सब कुछ अच्छे से, और घी लगा के आई मैं पैर में, जैसे घी लगाते हैं ना पहले, और ऊपर से जुराब पहन लिए साथ ही साथ, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं पैर, फिर जितना मर्जी चलो अरे पर चलते चलते ही गर्म हो जाते हैं, इसलिए सर्दियों में हमेशा घी लगाना चाहिए पैर में। और अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी क्योंकि 1 बजे हो जाता है चाय बनाने का टाइम, मैं 1 बजे चाय बनाती हूँ। और अभी जो है मैं बनाऊंगी उसकी अजवाइन वाली चाय। अजवाइन वाली चाय ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे ठंड हुई होती है ना किसी को, हमें पता है किसी से किसी को ठंड हो गई है ना इंसान को, किसी को भी बच्चे को चाहे जो बच्चे को भी इतनी सी नॉर्मल सी चाय इतना जैसा गिलास में पिला लेनी चाहिए। मतलब अजवाइन और कचूर मिला के होता है ना जो कचूर और वो कड़वा सा और दवाई, उसको हमें ना मिला देना चाहिए चाय में, मतलब मिक्स करके अदरक काली मिर्च लौंग ये सब कुछ। और जैसे ये चाय पियोगे ना तो वैसे ही वो जो ठंड होगी ना वैसे फुर से भाग जाएगी, पता भी नहीं चला। क्योंकि मेरे को तो काफ़ी बार ऐसे हो गया है ना, सिर दर्द होती है, उल्टियाँ लग जाती है, बहुत सी ठंड हो जाती है, और जैसे ही मैं ये वाली चाय पीती हूँ ना उसके आधे आधा घंटा भी नहीं, 15 या 10 मिनट तकरीबन इतना रख लो वैसे ही भाग जाती है। अगर किसी को ऐसा हो ना घर पे किसी का कोई सदस्य से बीमार हो, ऐसी चाय बनाना ज़रूर।
और ठंड है ना जो बिल्कुल भाग जाए, यहाँ तक कि छोटा बच्चा आ रही है ना इसको भी ठंड हो जाती है ना, अगर तो मैं उसको यही वाली चाय देती हूँ। और उसके बाद ना इसका नाक वगैरह जो बहरा होता है ना बिल्कुल रुक जाता है, इतनी सी देती हूँ छोटी से गिलास में। तो अभी मैं उसी चाय को बना रही हूँ क्योंकि आज ठंड है ना, ज़रूरी नहीं है कि ठंड हो तभी बनाए हम इसको, हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ठंड है, तो जैसे ठंड किसी को हो रही है अंदर से तभी बना सकते इसको, हम ऐसे बना सकते ऐसे मौसम में जैसे आजकल है ना ठंडा मौसम है, तो दिन में एक आधी चाय बना दी इसे अजवाइन वाली तो बहुत ज़्यादा मस्त बनती है, ट्राई ज़रूर करना। मैं तो बनाने जा रही हूँ अभी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और कल कुछ था ही नहीं आगे और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, वही था जो मैंने अभी तक बताया है। और आज हमारे लिए फिर से बर्फ़ गिरी है, रात को नहीं गिरी हुई थी हमारे लिए बर्फ़, तो जब मैं सोई तब तो नहीं थी, ये शायद 11:30-12 बजे पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा लूँ। और ये हमारे लिए मतलब इधर बाहर नीचे नीचे को तो नहीं पड़ी हुई है, ऊपर ऊपर ही पड़ी हुई है, तो हम देखते हैं। मैंने आपको कल यहीं से ही दिखाया जो आप आगे देख चुके हो, मैंने आपको यहीं से ही दिखाया हुआ था, तो बिल्कुल फ्रेश हो गया था, बारिश से धुल चुका था मतलब। तो आज हमारे लिए रातों रात 1 या 1:30 बजे के बीच में जो है ये बर्फ़बारी तरह से हुई है, बर्फ़ गिरी हुई है। और वही जो मैं आपको अपने फेवरेट पेड़ दिखाती हूँ ना चील के, ये देखो। और जब तो इस पर बर्फ़ गिरी होती है ना, मतलब अभी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, जब गिरी होती है ना बहुत अच्छे से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये पेड़। तो देखो अभी ये जो पाँच चोटियाँ आपको नज़र आ रही है इसमें तो फुल मतलब पैक हुआ हुआ है काम, देख के ही लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। और ये देखो आज भी मौसम इतना काला सा डरावना सा ही है, और कल से तो साफ दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है, बस मैंने आपको यही दिखाना था कि हमारे लिए फिर से बर्फ़ गिर गई है। और इधर पार सुबह दिख रहा था ये जो ऊपर दिख रही है ना आपको, ये ऊपर ऊपर ये वाली एक तो ये बिल्कुल अभी ब्लैक हुआ हुआ है, बिल्कुल धुंध फैली हुई है सारे में। तो ये जो पार दिख रही है ना आपको, ये तो अभी फ्रेश हो गया था थोड़ी देर पहले, तो मतलब बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ही वाइट ही, बीच में आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा। तो ये तो हमारे लिए फिर से बर्फ़ गिर गई है, बिल्कुल धुंधी धुंध फैली हुई है, फिर से ठंड हो गई बर्फ़ गिर के। और जी मैंने ये खोल रखी है विंडो पहले से, ये इतना ज़्यादा ठंडा है रूम और मैंने और ज़्यादा ठंडा कर दिया है, तो ये है दोस्तों। और इधर ऊपर को मेरा गांव है पूरा का पूरा, इधर पीछे के लिए ही घर है दोस्तों हमारा घर आगे के लिए ना, और ये बाकी के घर पीछे के लिए, बाकी हमारा गांव यहाँ से स्टार्ट होता है। और ऊपर ये मेरी माता रानी है, आपको भी इनके दर्शन करवाते हैं। यहाँ ऊपर पेड़ों के बीच में दिख रहा है ना ये मंदिर, ये वाला ये तो मैं और आर भी तो भी बैठे हुए यहाँ पे, मैं आज वीडियो कैंड कर रही हूँ, नहीं तो ये कल परसों तक बनती रहेगी थोड़ी थोड़ी, तो मैं वीडियो कैंड यहीं कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।